बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि जीतन राम मांझी के बाद अब आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। वे अब मायावती के साथ मिलकर बिहार में मोर्चा संभालेंगे। मायावती ने उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मायावती ने कहा, अगर गठबंधन को लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सीएम होंगे। बीएसपी ने अपनी विचारधारा एवं मूवमेंट को खास ध्यान में रखते हुए ही पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहां विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की है, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वैसे भी इस नए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाकर यहाँ की जनता को, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व बाढ़ आदि की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही घर घर से या प्लाइन की व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके, जिनकी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में हमें काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली है। साथ ही इन सभी लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को बढ़ाना इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य होगा, जिनकी बिहार में षड्यंत्र के तहत अब तक घोर उपेक्षा होती रही है। अतः बिहार की जनता से अपील है कि वे इस गठबंधन को सेवा का एक मौका जरूर दें, गठबंधन को सेवा करने का एक मौका जरूर दें। हालांकि कोरोना प्रकोप को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों व पाबंदी आदि के कारण ही मैं स्वयं आपके समक्ष, यानी कि बिहार की जनता के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई हूं, लेकिन मीडिया के मार्फत अपनी अपील के माध्यम से मैं आप लोगों के करीब हूँ, यानी कि बिहार की जनता के करीब हूँ। और आप सभी से इस अवसर पर विशेष अपील भी है कि आप लोग अपना पूरा ख्याल रखते हुए तीन चरणों में हो रहे मतदान में जरूर बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि आपके विकास व उत्थान हेतु सत्ता की मास्टर चाबी सही हाथों में आ सके। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो गठबंधन बना है तो ये खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, या अकलियत समाज के, जिसमें मुस्लिम की तादाद उधर बहुत ज़्यादा है, और अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, तो इनकी बड़ी उपेक्षा हुई है। किसानों की, मजदूरों की, अन्य मेहनत कश लोग हैं, इनकी बहुत उपेक्षा हुई है। जितनी भी सरकारें बनी हैं तो वो इनके बारे में बड़े बड़े वायदे करती रही, लेकिन किया कुछ नहीं। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, ये जो गठबंधन बना है तो ये अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में बना है, श्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बना है, जो इनकी दुख तकलीफों को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो मेरी पुनः बिहार की जनता से अपील है कि वे, इन्होंने अभी तक कई गठबंधन को मौका दिया है, उनको आजमाया भी है, लेकिन इनको कुछ राहत नहीं मिली, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो मेरी अपील है कि इस गठबंधन को ये जरूर मौका दें और इसको कामयाब बनाएं, सत्ता में लाएं,
और सत्ता में लाने के, सत्ता में जब ये गठबंधन आ जाता है तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी तो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है, बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर तो ये वहां पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार।